कोई भी काम कर लो, इमोशनल इंटेलिजेंस होने हर जगह काम आता है। अपने कस्टमर से बात करते वक्त, अपने टीम मेंबर से काम करवाते वक्त, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम करते वक्त, दुनिया में जगह जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो बाजार में फैमिली के साथ घूमना हो, हर जगह आपको आपके इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस जिस इंसान में नहीं होता है, वो हर वक्त हर किसी को कंप्लेन करता है, इरिटेट होता है, पैशन कम होता है, छोटी सी गलत चीज बर्दाश्त ना करके उसको बड़ा बना लेते हैं, रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाता, टीम हैंडल नहीं कर पाता और ज़्यादा खुशी में भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। अगर कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग है, वो सुख और दुख की वजह से कोई ऐसा रिएक्ट या एक्शन नहीं लेगा जिससे उसका खुद का ही नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो। इमोशनली स्ट्रांग होने से क्या होगा? आप हर जगह कोई भी एक्शन लोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, वो इमोशन के बेस पर नहीं लोगे। आप क्या सही है, क्या गलत है, उसकी बेस पर डिसीजन लोगे। गुस्से में लिए गए फैसले और बहुत खुशी में किए गए काम बाद में हमेशा दिक्कत ही देते हैं। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरों के इमोशन समझकर फैसले लेने होंगे, दूसरों की फीलिंग समझनी होगी। अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहां आपको सही तरीके से रिएक्ट करना आना चाहिए। किसी गलत इंसान के साथ में तरीके से बात करनी आनी चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट केवल वो नहीं है जिसके अंदर फीलिंग और इमोशन होते ही हैं, बल्कि वो है जो सबको लेकर चलता हो, अपने साथियों को लेकर चले। आपको अवेयर रहना आना चाहिए, दूसरों की फीलिंग और खुद की फीलिंग को एनालाइज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से बिहेवियर से या फिर कौन सी हैबिट से कहीं कुछ गलत फर्क पड़ रहा है और आपको वो हैबिट जल्द से जल्द चेंज करनी आनी चाहिए। जिंदगी में अगर बड़ा बनना है तो बेइज्जती बर्दाश्त करनी आनी चाहिए, दुख में भी अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए, जलन बर्दाश्त करनी आनी चाहिए। अगर कोई खुद से अच्छा कर जाए, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट, आपको अपने ईगो पर कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने ईगो को मैनेज करना जानते हैं। मैंने सारे इमैच्योर लोगों को ईगो की नदी में डूबते देखा है। जो लोग मैच्योर होते हैं उनके हाथ में अपने ईगो पर पूरा कंट्रोल होता है।